बिहेवियर शो ना, ठीक वो है। तो आज हम करेंगे जरा हाँ उसके आगे, आपने बताया था शेयर मॉडुलस आपका, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका हट गया है सिलेबस से ना, तो अब हम बात करेंगे बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस ठीक है, बल्क मॉडुलस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी वॉल्यूम को, तो एनी वॉल्यूम, एनी कंटेंट वॉल्यूम, कोई भी आर्बिट्री आप शेप लेने है ना, इसको आप किसी हाइड्रोलिक स्ट्रेस में अगर आप रखते हैं है ना, यानी इसको किसी पानी में इंसर्ट अगर ये जाता है, इस पे फ्लूड का मान लो इस पे आपका प्रेशर लगता है विच इज नॉर्मल टू एवरी पॉइंट है ना, द फोर्स इज नॉर्मल टू एवरी पॉइंट। तो इसके वॉल्यूम में एक हल्का सा इसका देर इज चेंज इन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपका एक चेंज होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि अगर आपका सॉलिड है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होता है, और अगर आप सॉलिड की जगह अगर आप लिक्विड यूज करते हैं तो उसका कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस का कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो वो कंप्रेसिबिलिटी यानी जो आपका जब भी कोई हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है, तो वो जो कंप्रेसिबिलिटी जो है दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू बल्क मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस पे। तो बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक एंड स्ट्रेस हाँ और टू फिर वो स्ट्रेन हो जाएगा हाइड्रोलिक बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन. हाइड्रोलिक स्ट्रेन, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज डिफाइंड एज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस भी डिफाइन एज, तो ये जो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, इट इज नथिंग बट इट्स अ प्रेशर, यू कैन सी दैट इट्स अ प्रेशर डिवाइड बाय योर डेल्टा पी डिवाइड बाय वी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बताता है बल्क मॉडुलस में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, बिकॉज बल्क मॉडुलस इज योर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और अगेन इसका यूनिट भी यही होगा, इट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल्क तो मॉड्यूलस हमेशा मतलब इट्स अ नंबर, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल्टा वी जो कि चेंज इन वॉल्यूम है, दैट्स एक्चुअली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। सो अगर आपका ये फैक्टर डिक्रीज करा, इन्हीं फैक्टर का निगेटिव लेंगे तो टोटल आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये हेलो तो ये माइनस का साइन क्यों लगाया है? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि डेल्टा वी जो का आपका डिक्रीज हो रहा है ना, दैट्स डिक्रीज, तो ये आपको एक निगेटिव देगा ना, कि आपका फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे देन इट विल बी ए निगेटिव हाँ वैल्यू, हाँ यस ये वॉल्यूम इज योर भाई, वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका निगेटिव और ये निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन बल्क मॉडुलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ना, व्हिच इज ए वी इज ओके. योर टोटल बल्क मॉडुलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ना। ओ हाँ यस हाइड्रोलिक स्ट्रेस. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बल्क मॉडुलस, ठीक है। और ये मैंने बताया, ये डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल, कौन कौन सा आपका कैसा मटेरियल है। तो आपका एनसीईआरटी में इसका पूरा टेबल बना हुआ है कि ये कुछ गीगा पास्कल के इसमें है, जी है ना, तो इट्स 10 की पावर 9 है ना, तो इट्स एल्युमिनियम का 72 है, यानी सॉलिड्स का काफ़ी ज़्यादा है, और लिक्विड्स का देखें देन इट ड्रॉप्स टू 2.20.9 है ना, इनको इनटू 10 की पावर भी है 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो वो 10 की पावर 9 को सीधे जीपीए में लिख दिया है। और वहां पे देखें गैसेस का आपका जो कि है हाइड्रोलिक वन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हाँ होगा? हाइड टर्म्स हाँ में हाइड्रोलिक, हाँ ये पॉइंट आपका ये है कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं, वैसे तो प्रेशर आपका फोर्स अपॉन फोर्स पर एरिया ही है ना, यूनिट एरिया भी आप ले रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक्चुअली एक और यहाँ पे टर्म यूज हम करते हैं, वो टर्म है कि जो आपका प्रेशर है, अगर आपका ये जिस हाइट पे ये है ना, जिस
जिस हाइट पे आपका बॉडी है, सपोज दिस बॉडी, हम आपको यहाँ पे प्रेशर है, जिस हाइट पे ये बॉडी है तो उस हाइट पे जो प्रेशर आपका डिफाइन होता है दैट इज रो जी एच, है ना, उस हाइट पे, यानी हर एक पॉइंट पे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, एक अभी न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप इसका इस प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात हो गया। तो ये अब हम इस पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी पे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज वी कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज इट इज द इनवर्स ऑफ योर बल्क मॉडुलस, जिसके इट इज नथिंग बट इट्स वन अपॉन बी। ठीक है, तो बताएं जिन अभी आपने बताया, मैंने बताया जिन सॉलिड्स का, जिन मटेरियल का आपका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, जैसे कि सॉलिड का आपका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, तो उनका कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सॉलिड्स हैव वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी एंड यस योर लिक्विड हैज लिटिल मोर, एंड सबसे ज्यादा आपका कंप्रेसिबिलिटी हो गया गैसियस का, क्योंकि उनका बल्क मॉडुलस कम है। ठीक है, इनका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, है ना। तो यहीं से एक टर्म आता है आपका ये कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हमने डिफाइन किया वन अपॉन बी, और इसको प्रेशर इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें, देन इट्स इट्स माइनस 1 over delta P into delta V upon V. तो ये मैंने इस एक फैक्टर डेल्टा पी लिया है, तो इसका मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इट इज नथिंग बट योर कंप्रेसिबिलिटी, को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज नथिंग बट एक लाइन में बताना चाहें तो इट्स अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, है ना, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इन पर यूनिट, फ्रैक्शनल चेंज इन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये बात हो गई कंप्रेसिबिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, कंप्रेसिबिलिटी के बाद या एक प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम से अभी ये चैप्टर आपका इसमें आपका ओवर हो गया है, इसमें अब आपका एप्लीकेशन बचा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, है ना। तो आपका ये चैप्टर में और कुछ नहीं बचा, इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, जो आपका इसके अलावा था दैट्स एक्चुअली योर आउट ऑफ सिलेबस। सो नाउ सर, अगर एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिए ना, अगर पूछेंगे तो इसका यील्ड पॉइंट ढूंढो तो मतलब कैसे करेंगे। हाँ, यील्ड पॉइंट अगर आपको ढूंढना है तो वो पॉइंट आपका जहाँ से आपका जो कर्व है दैट एक्चुअली स्टार्ट आपका, वो आपका वहाँ पे बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सर वो मैथमेटिकली वो पॉइंट कैसे ढूंढेंगे। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, चलो मैं इस पे एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, एक मिनट रुक जाए, मैं जरा हाँ एनसीईआरटी में वो क्वेश्चंस थे तो हाँ, कर रहा था तो उसमें मैं समझ गया, मैं एक मिनट मुझे दें, मैं जरा आपको जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जरा करा देता हूँ। हाँ, ये फिगर है आपका, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। हाँ, तो इस क्वेश्चन जरा इसको बनाता हूँ। तो मान लीजिए आपका ये कर्व है, या मैं कर्व ले लेता हूँ, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा एक मान लीजिए कर्व, ठीक। सो इसमें हम
एक हम इसमें एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं ना, है ना, वो कुछ इस तरीके से है। सपोज ये पहले तो आपका एक स्ट्रेट कर्व जाएगा, स्ट्रेट कर्व जाएगा इस तरीके से दिया हुआ है, और ये मेरा इतना स्मूथ नहीं, और ये आगे से जाके फिर इसमें चेंज होगा, ठीक। तो यहाँ से हम देखते हैं कुछ इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, या मैं एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने का सोच रहा था बुक से। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट इनका गिवन है, दैट इज 0.004, है ना। और एक पॉइंट आप ले लें यहाँ से, तो 0.004, एक पॉइंट ले लें 0.003, 0.002 एंड 0.001, ठीक है, 0.001, 0.002, 0.003, ठीक है। ये आपके स्ट्रेन जो है दैट इज गिवन इन दिस, मतलब इतना आपको स्ट्रेन मिल रहा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं दैट इज एक यहाँ पे 50, ठीक है, एंड देन 100, ओके, एंड देन अदर इज योर 150, ओके, एंड देन अदर इज योर 200, कुछ इस तरीके से आपका ना। तो फाइनल यहाँ पे ये आपका पॉइंट है वो आपका कुछ 300 पे गिवन है, ऑलमोस्ट 300। तो ये इसमें आपको एक और काम करना है, वो है कि इन कर्व को भी थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। एक्चुअली ये ग्राफ पेपर आपका बन गया, ठीक है। तो देखें इट्स नथिंग बट मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस हो गया, हाँ ठीक है। तो यील्ड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 300 है, हाँ, ये जो आपका पॉइंट है ये, तो इट्स योर, देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है इट्स 300, जहाँ से आपका ये बेंडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अगर इसका यंग मॉडुलस निकालना है, व्हाट इज योर यंग मॉडुलस, ठीक है, हर पॉइंट का इस पे यंग मॉडुलस अलग अलग होगा। देखिए इस पॉइंट पे अगर आपको यील्ड पॉइंट पे निकालना है तो स्ट्रेस यहाँ पे है 300 × 10^6, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेन है दैट इज योर 0.004। तो ये इस पॉइंट का आपको यंग मॉडुलस मिल गया, ठीक है। और वहीं पे अगर आप इस पॉइंट का यंग मॉडुलस निकालना चाहेंगे, मैं अंदर कलर करता हूं, इस पॉइंट का यंग मॉडुलस मान लीजिए निकालना चाहते हैं 0.0, अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी आपका ये होगा, है ना, तो इससे अच्छा मैं 0.002 का निकालूं, वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, हां 0.,, ठीक है, 0.02 इसका निकालते हैं, है ना। तो ये हमारा है यहाँ पे कितना है, इसे 0, इसे 50, इसे 150, ना सॉरी 100, 100 से 150। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे हैं एक्स एक्स वाई एक्स पे हमारा 150 है, यानी इसके मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं अगर, तो एक्स पे हमारा है 0.002, वाई पे है 150 × 10^, ठीक है, ये हो गया। तो स्ट्रेस जो यंग मॉडुलस है दैट इज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो वैल्यू है हमारा कितना है ना इस पॉइंट पे, दैट इज 150 × 10^6 डिवाइड बाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है दैट इज 0.00। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट का इस पे यंग मॉडुलस आपका है ना अलग अलग होगा। अच्छा, इसमें हर पॉइंट पे यंग मॉडुलस डिफरेंट होगा, हाँ, मतलब आप जब यंग मॉडुलस निकालेंगे ना तो एक तो आप एक्चुअली यंग मॉडुलस आपको इसी जो अगर आपका मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर ये वायर यहाँ से टर्न हो गया है ना तो फिर आप इसका निकालेंगे इस पॉइंट से, है ना, वो आपका ये यील्ड स्ट्रेस बताएगा ना, वही आपको आइडिया देगा। तो हर पॉइंट पे ऐसे ना समझे, इसको ऐसे समझे, अगर आपका ये कर्व यहाँ से बाइंड हो रहा होता तो ये आप, अच्छा, यील्ड पॉइंट पे जो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसको हम यंग्स मॉडुलस बोलेंगे, हां हां दैट्स योर, है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए जो आपका यंग मॉडुलस अगर होगा इसके लिए, इस वायर के लिए आपका ये पॉइंट बताएगा जो कि आपको ये वैल्यू, ये वैल्यू ठीक है। और आपको बताएं 300 × 10⁶ जो आपका ये जो स्ट्रेस है यानी यील्ड स्ट्रेंथ है ये सबसे ज्यादा है एंड दिस इज फॉर स्टील, आई थिंक ये स्टील का है ना। तो कुछ इस तरीके से आप यंग मॉडुलस निकाल लेंगे है ना। तो इस पॉइंट पे तो ये वायर हाँ, जहां जा पे अगर आपका तो इसका आ जाएगा कुछ 75⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ यंग मॉडुलस। हाँ हाँ तो आई थिंक इसको चेक करके देख लें है ना, आप इसका कैलकुलेशन करके चेक करके देख लें। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता बिकॉज इट्स एन अनसॉल्वड क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज। हाँ क्योंकि वो 4 × 10⁻⁴ हाँ ये भी है सही -3 ऑब्वियसली इट्स थोड़ा सा कर सकते हैं 10⁶ तो ये हो गया 4 × 10⁻³ ये -3 तो ये हो जाएगा आपका 300 × 10⁹ डिवाइड बाय 4 है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं तो ये हो गया ये हो मिल गया 150 एंड देन हाँ ठीक है एग्जैक्टली 75 × 10⁹ न्यूटन है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ये हमारा स्ट्रेस हो गया, इसका यूनिट जो था हमारा स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके ये आंसर होना चाहिए। एक बार अगर आप चेक करके देख लीजिएगा हाँ हाँ ठीक है करेक्ट है ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से ना, और अब समझ गए ना इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो वो आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आगे का जो है हाँ एप्लीकेशन का थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना था, कुछ देर हम एप्लीकेशन पे जरा बात कर लें फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ योर इलास्टिक जो बिहेवियर ऑफ योर ना या एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स ठीक है। सो एप्लीकेशन इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, इसका इंजीनियरिंग में बहुत एप्लीकेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग ना। तो जैसे एक इसका फर्स्ट एप्लीकेशन मैं आपका बताता हूँ दैट्स योर कि आपका अगर आपको एक एक वेटेड आपको कुछ उठाना है जैसे कि क्रेन आपने देखा होगा, तो क्रेन मान लीजिए इस पे ये लोड आपका जो उठा सकती है मान लीजिए इसका जो मैक्सिमम अगर ये लोड उठाती है दैट इज मान लीजिए 10,000 kg इतना लोड ये क्रेन उठा सकती है। तो वो लोड उठाने के लिए यानी ये जो है दैट्स वेट kind of weight. इतना अगर ये लोड उठा लेती है तो इस केस के लिए वो क्या होगा है ना, या मैं इसको वेट नहीं इसको मास बोलता हूँ तो उसके लिए कितना थिक फिर... हाँ एग्जैक्टली उसमें एक्सेलरेशन भी आएगा तो कितना उसको वो लगाना पड़ेगा, कितना थिक वायर आप यूज करें, कितना थिक वायर यूज करें टू उसको वेट को इसको उठाना है तो उस वायर की थिकनेस क्या होनी चाहिए ये एक इसका एप्लीकेशन। तो उसके वायर की थिकनेस तो इसके लिए हम अगेन अपना सिंपल फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं और ये जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट इज मैंने भी बताया था ना जो मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट इज स्टील और स्टील का जो आपने एग्जाम्पल पहले देखा था तो दैट इज 300 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका स्ट्रेस है स्ट्रेस को जो आप डिफाइन कर रहे हैं इस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो वो एक्चुअली इट्स योर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो जो वायर आप में यूज करेंगे उसका जो एरिया होगा दैट एरिया इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल्स टू दैट फोर्स डिवाइडेड बाय योर दिस यील्ड जो इसकी यील्ड स्ट्रेस है यानी यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा वाई है ना एफ अपॉन सिग्मा वाई है ना। इसके आगे अगर फोर्स लगा यानी इसके 300 × 10⁶ अगर जो इसका
स्ट्रेस है तो फिर वो परमानेंट सेट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली वो उसमें फिर आपका इससे परमानेंट सेट हो जाएगा, फिर उसमें वो वापस अपना शेप रिगेन नहीं करेगा। तो फोर्स की जगह जो फोर्स इसमें जो अप्लाई होगा दैट इज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ वेट, तो ये वेट हम डाल देते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा 10,000 kg into your 9.8, this is weight divided by your sigma y which is 300 into 10 की पावर। इसे 9.8 से वो थोड़ा क्या हुआ, 9.8 से कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ तो 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ये ठीक कहा आपने। तो ये आपका कैलकुलेशन, इसको जब आप इसको पुट करें तो ये आप देखेंगे ना, इसका 3 से ये 2 गया तो ये हमारा ऊपर हो गया। इट्स ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, मैं इसको रफली आपको बता देता हूँ कि हमारा मेन है इसमें जो स्टडी करना, तो 3.3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है ना, ये कुछ इसका एरिया आएगा जो वायर आप यूज करेंगे इसका कैलकुलेशन, तो कुछ आपको इतना देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एरिया है ये एक वायर का आप यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप का एरिया प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो आपका वायर का, यानी ये अगर आप कंपेयर करें क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस जो होगा आपका दैट इज अप्रोक्सीमेटली पाई का वैल्यू 3.14, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3.14 ही ले लेते हैं, और इनटू जो आर है आपका दैट शुड बी योर 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, यानी तकरीबन आपका जो वायर है दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर का आपका उसका थिकनेस होना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का आपका ये थिकनेस होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर थिक वायर का अगर आप थिक ले लेते हैं उसकी जो थिकनेस है दैट्स 1 सेंटीमीटर, इट्स वेरी लार्ज, ये तो आपका एक वो बन जाएगा, इट्स ए काइंड ऑफ ना रॉड, स्टील का रॉड बन जाएगा ये तो, है ना, तो ये कुछ स्टील का रॉड सा बन जाएगा इतना पतला, जो कि आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी एक्चुअली क्या करते हैं, उन कई वायर्स का बेंड बनाते हैं ना, देखा होगा अगर आपने गाड़ी जो उठा के ले जा रहा होता है क्रेन, उसका जो वायर होता है वो स्टील के कई सारे वायर्स के को वो एक तरीके से है ना बाइंड करके बनाया जाता है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, है ना। ठीक है, तो इसका एक और एप्लीकेशन है, ये हमने इसके बारे में बात की कि वो थिकनेस कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको है ना किसी भी मटेरियल का अगर वेट उठाना हो एक प्रॉपर। सेकंड इसका एप्लीकेशन है दैट इज कि आपका जो आप ये देखते हैं जितने भी आप ब्रिजेस जो देखते हैं, ब्रिजेस का शेप में जो आपका जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वी एक्चुअली यूज स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, है ना, आप देखेंगे कि आपका कुछ इस फॉर्मेट का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये है ना, जितने भी फ्लाईओवर आप देखते हुए कुछ उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, है ना, जितने भी फ्लाईओवर में आपके ये यूज होते हैं जो, है ना, या ठीक है। तो ये ब्रिज का अगर आप इसमें जो पिलर्स यूज करते हैं उसको आप ऐसा क्यों नहीं बना सकते, ऐसा भी तो बना सकते हैं ना कि आप काफी लेंदी ऐसे ऐसे बना दें, है ना, ऐसे, तो ऐसे ब्रिज इसलिए हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो देखें इसका रीजन ये है कि ये आपके इसमें जो है क्रॉस, इसमें जो बेंडिंग का है ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर, दिस कैन बेंड, ये कुछ इस तरीके से, अगर आप इस पर ज्यादा ट्रैफिक होता है कभी ब्रिज के ऊपर, ब्रिज समझ रहे ना, पिलर्स बना रहा हूँ मैं, ब्रिज नहीं बना रहा एक्चुअली, हाँ, तो यहाँ पे जो आपका है दैट इज ज्यादा आपका ये सपोर्ट देता है, ये फ्लैट रीजन है ना, सपोर्ट देता है, और ये भी आपको, तो अगर आप इसका जो हमने नहीं किया है कि आप एक यंग मॉडुलस से हम कैसे निकालते हैं कि कितना बेंड हो जाएगा, है ना, तो इस रीजन में आपका बेंडिंग का ज्यादा इसमें चांस है, और ये आपका सपोर्ट करेगा, और जो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज एट सेंटर। ठीक है, तो यू कैन आल्सो फाइंड कि है ना कि ये किस में, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए ना कि इस टाइप का, है ना, ये तो जितने भी देखेंगे आप उनका बेस और ऊपर एक रहता है सरफेस का एरिया आपका, उसका ज्यादा एरिया रहता है और सेंटर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है। ओके, एक और एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, उसमें हम जरा एक बार बात कर लेते हैं।
कि जितने भी अगर हाइट अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे जितना भी आपका जो माउंटेन है दैट एक्चुअली नेवर एक्सीड 10 किलोमीटर ओवर 10 किलोमीटर समझे मतलब क्या बता रहा हूँ मैं कि 10 किलोमीटर से ऊपर का आपका कोई ये एक्सीड नहीं कर सकता या कोई भी अगर आप रॉक ले लेते हैं एक मिनट वेट कर ले जरा मैं एक नोट्स देख रहा था अपना यप खैर व्हाटएवर हाँ तो मैं बता रहा था तो रॉक अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा यानी दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप किसी भी माउंटेन का लेते हैं इस काइंड का आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो इसमें जो है आपका दैट्स जो सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका दैट इज यहाँ पे ज्यादा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है दैट्स गोस अप तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम इसकी ये बात करें कि ये टिपिकल रॉक अगर ये हाइट हमारी इस हाइट एच है अगर ये टोटल हाइट हमारी एच है ना ये हाइट अगर हमारी एच है तो इस हाइट पे इस टोटल हाइट पे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर आपका एक्सपीरियंस होगा एट द बॉटम यानी जो आपका एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन एट द बॉटम ऑफ माउंटेन ठीक है तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया इट्स योर एच रो जी है ना ये हम इसको एज ए प्रेशर की तरह मान सकते हैं जैसे कि आप एक सी लेवल पे जिस तरीके से प्रेशर निकालते हैं ना है ना मतलब एक जनरल फॉर्म कि ये हाइट एच है तो ये इसके अंदर का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्चुअली इस पे प्रेशर लगाएगा ठीक है और अर्थ का सरफेस इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में है ना तो ये एच रो जी इज इक्वल्स टू फोर्स पर आपका एरिया और इसमें हम बात करते हैं अगर हम इसके डेटा की बात करते हैं तो इलास्टिक लिमिट ऑफ टिपिकल जो रॉक है आपका इलास्टिक लिमिट ऑफ ए रॉक दैट इज ऑलमोस्ट 30 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं बिकॉज इट इज नथिंग बट दैट इज यही तो आपका इलास्टिक लिमिट बताएगा इसका रॉक का तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो ये एच रो जी दैट इज स्ट्रेस है ना 30 × 10⁷ तो यहाँ से हमको हाइट का आइडिया मिल सकता है बिकॉज वी नो द डेंसिटी ऑफ ए रॉक ये भी हमको आइडिया पर है दैट इज 3 × 10³ kg ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है ये मैं आपको एक बार बता रहा हूँ मैं तो ये टिपिकली आपको देगा ये वैल्यू टिपिकली देगी तो एक फोर ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज 10 है ना दैट इज ऑलमोस्ट आपको देगा ये 10 किलोमीटर ओके सो ये वैल्यू आपको बताएगी कि जो कि आपकी कितनी है विच इज मोर देन द हाइट ऑफ योर माउंट एवरेस्ट यानी अर्थ पे आपके जितने भी है ना ये क्योंकि ऐसा अभी तक ऐसा रॉक नहीं है हमारे पास ऐसा रॉक नहीं है जिसका इलास्टिक लिमिट आपकी क्या हो इससे ज्यादा हो अगर इससे ज्यादा का हमें मिलता है रॉक तो वो आपका मे बी दैट मे बी फॉर्म ए बिगर हाइट ऑफ ठीक है मुझे लग रहा है मेरा वॉइस कुछ लेट पहुंच रहा है अब तक हाँ आप सही हो गया तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर कौन सा है अगला हमें करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी हाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि मुझे लगता है आपका कल इसका टेस्ट भी है हेलो इसी का टेस्ट है आपका कल तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूँ एक बेसिक है ना कि इट्स अ न्यू चैप्टर इट्स अ मैकेनिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो इसमें हम जरा स्टार्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा प्रेशर के बारे में. प्रेशर के बारे में ज्यादा कुछ तो मुझे बताना नहीं है, क्योंकि प्रेशर आपने लास्ट चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा है. प्रेशर इज योर नथिंग बट फोर्स ऑफ एरिया, ठीक है. और प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. एंड another thing is your इसका dimension जो है, that is ml minus one t minus two. ये हम पहले भी calculate करके मैं देख चुके हैं, दोबारा calculate करने की ज़रूरत नहीं. stress के जैसा, हाँ exactly stress के जैसा ही है, मतलब सारा इसका dimension वगैरह. and इसका जो unit है ये important चीज़ है, that the another unit हम यहाँ पे use करेंगे कि one atmospheric pressure अच्छा हाँ is equals to 1.05 into your sorry 1.05 नहीं है, it's not 1.05, it's exact value है, it's 1.013 into 10 की power 5 pascal. ये काफी use होगी, ये value हमारे लिए important है, ठीक है. तो ये हो गया. नाउ थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, प्रेशर के बारे में बात कर लिया, थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में बात करेंगे हम कि व्हाट इज योर डेंसिटी. तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी आपको डिफाइन करते हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका जो डायमेंशन हो गया, दैट इज योर एम एल माइनस कितना हो गया, थ्री, ठीक है. एंड इसका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सिंपल, ओके. और एक और एक डेटा है जो आपको काफी यूज आएगा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर. ये हमें बार बार यूज होगा आपको जब हम करेंगे चैप्टर 10 की पावर 3. ये हमें याद है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समझ रहे हैं. यानी 1 meter का आप एक क्यूब बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, है ना. तो उसमें आपका 10 की पावर 3 आपका जो है किलोग्राम वाटर आपका आएगा, है ना. यानी 1 meter क्यूब का अगर आप का ये है तो आपको 1000 किलोग्राम वाटर का रिक्वायर पड़ेगा इसको वो करने के लिए, फिलअप करने के लिए, ठीक है. हाँ. यानी 1 meter cube वॉल्यूम का कंटेनर अगर आप लेते हैं, है ना. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें पास्कल लॉ के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर एक मैं छोटा सा डेरिवेशन आपको करा देता हूँ, तो उससे आपका काफी सारा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएगा. तो पास्कल लॉ कहता है, द पास्कल्स लॉ, इसका जो स्टेटमेंट है जिस पे बेस हमारे बैरोमीटर और मैनोमीटर ये सारा का कॉन्सेप्ट है. The pressure in a fluid at rest, the pressure in a fluid at rest is the same at all points if they are at same height, ठीक है. यानी कोई भी अगर आप फ्लूड लेते हैं, कोई भी फ्लूड लेते हैं, तो उस पे सेम हाइट पे आपका सेम प्रेशर होगा. कोई भी फ्लूड लेंगे ना, तो उसके सेम हाइट पे, यानी अगर आप ये इस पॉइंट पे अगर आपका प्रेशर P1 है तो ये पूरे सरफेस पे प्रेशर P1 ही होगा, और इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P2 है तो ये पूरे इस लेयर पे प्रेशर आपका P2 ही होगा. मतलब ये इट डजंट डिपेंड ऑन कि आपका शेप कैसा है, ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ओनली हाइट, किस लेवल पे है, ठीक है. या हाइट बोले या डेप्थ बोले, है ना. तो इस पे बेस्ड एक डेरिवेशन है पास्कल लॉ पे, वो मैं चाहता हूँ कि आपको हम कर लेते हैं अभी.
So it's a variation of pressure with depth. Variation of pressure with depth. क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट जो बैरोमीटर और थोड़ा सा मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट है ना. तो देखें इसमें हम एक एक शेप लेते हैं. आई चूज अ शेप. एक मैं सिलेंड्रिकल शेप ले लेता हूँ. Something like this kind of a cylindrical shape लेते हैं ना, कुछ इस तरीके से. Okay. Oh. एक मिनट है बस. Okay. तो एक ये हमने कंटेनर ले लिया. अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर लेता हूँ. एक स्मॉल एलिमेंट दैट इज नॉट एक्चुअली रियल, दैट इज हाइपोथेटिकल. एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ मैं. एक सिलिंड्रिकल, या एक सिलिंड्रिकल मैंने ले लिया एक एलिमेंट, ठीक है. और मैं इस एलिमेंट के थ्रू हम एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते. इस इसमें प्रेशर, ये आपका फ्लूइड है इसमें, है ना. इसमें आपका फ्लूइड है, है ना. ये आपका इसमें हम कुछ फिलअप कर देते हैं फ्लूइड, ठीक है. हाँ, ये हम पास्कल लॉ का निकाल रहे हैं. हाँ, ये हम पास्कल लॉ के बेसिस पे हम प्रेशर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं. हम जरा प्रेशर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं. या ठीक है. तो इसमें आपका ये पूरा इसको फिल कर दीजिए फ्लूइड से. ये पूरा फ्लूइड से हमारा कंटेनर है. तो हम इस जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, हम इसके एक्चुअली इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट वन ले लें हम इसको, पॉइंट वन ले लें, और इस पॉइंट पे यानी पॉइंट टू, इन दोनों पे हम प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते हैं. पॉइंट वन पे और पॉइंट टू पे वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, है ना. तो ये जो कंटेनर है इसका हाइट अगर हम एच ले लेते हैं, दिस हाइट इज योर, ओके. और यहाँ पे आपका देखें एक जो कंटेनर है, अब ये जो प्रेशर है देखें, ये आपका हाइट के साथ क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. यानी अगर आपका यहाँ पे प्रेशर कुछ इतना है, ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही बना दिया, तो इस पॉइंट पे आपका प्रेशर मैं एरो से डिफाइन कर रहा हूँ कि बढ़ता जा रहा है सरफेस की ओर. जैसे जैसे आप सरफेस जाएंगे तो आपकी जो हाइट है ये आपकी बढ़ती जा रही है. तो देर इज ए प्रेशर डिफरेंस, देर इज ए प्रेशर डिफरेंस जो आपका अपर पार्ट और लोअर जो जो हमने एलिमेंट लिया है इसके दोनों पॉइंट पे एक प्रेशर डिफरेंस है. तो इस पॉइंट वन पे जो इस सरफेस का लिक्विड है, इसके ऊपर का जितना भी लिक्विड है वही प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन पे. और पॉइंट टू पे भी एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये दोनों प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना. हाँ. तो ये दोनों का जो हमें डिफरेंस है दैट वी एक्चुअली ट्राइंग टू मेजर कि कितना होगा वो, है ना. तो इसको कैसे मेजर करते हैं. तो सपोज एट पॉइंट वन पे आपका प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर मैं पी वन ले लेता हूँ. एट पॉइंट वन, ठीक है, प्रेशर इज योर पी वन. And at point two, suppose pressure is your P2. Okay, suppose pressure is your P2. तो आपका P1 जो है, अगर इसको हम फोर्स की बात करें तो फोर्स एट योर पॉइंट वन, फोर्स एट पॉइंट वन इज योर P1 A, विच इज एट डाउनवर्ड डायरेक्शन. Downward direction, okay? हाँ. और आपका जो फोर्स है that is P2A, that's your upward direction. क्योंकि आपका जो भी फोर्स लग रहा है that on आपका ये आपके क्रॉस सेक्शन पे लगेगा, that's your, है ना, P2A, okay?
तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको न्यूटन्स लॉ लगाएं, चूंकि आपका फ्लूइड आपका रेस्ट पे है ना, फ्लूइड एक रेस्ट, और इस पे एक और फोर्स लग रहा है, वो भी हमें कंसीडर करना होगा। तो जो आपका इस वॉल्यूम एलिमेंट में जो वाटर का जो वेट है, दैट्स आल्सो अप्लाई ए फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी जो आपका इसका जो कंटेनर है, इसमें जो आपने वॉल्यूम एलिमेंट लिया, उसमें कुछ फ्लूइड भी है, दैट आल्सो अप्लाई ए फोर्स ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, है ना? तो ये जो आपके फ्लूइड हो गए, है ना, ये जो फ्लूइड, ये तो एक और फोर्स मिल गया, दैट इज एम इंटू जी, दैट्स आल्सो इन योर, किधर हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को बैलेंस करें, तो अगर हम तीनों को बैलेंस करें, तो ये हमको होगा पी टू ए इज इक्वल टू, क्या हो गया, एम जी प्लस पी वन ए, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंपल अगर हम न्यूटन इक्वेशन लगाएं, तो हम इस तरीके से फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, है ना? तो इन अवर नेक्स्ट पार्ट ये हमको देगा, दैट इज पी टू माइनस पी वन इंटू एरिया, दैट इज इक्वल टू एम जी। ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो अब हम इस एरिया को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हमको मिल गया पी ये हम टू माइनस पी वन मास डिवाइड बाय एरिया इंटू जी। ठीक है, हाँ तो इन नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय एच। तो देखिए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस लाइन हाँ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक एलिमेंट मैं लिया। तो होल सिलेंडर हाँ, दैट विल गिव द एरिया, द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जिस वो बाहर वाला सिलेंडर नहीं, द एलिमेंट जो हमने वो सिलेंडर का लिया है वांटर वाला कंसीडर किया। हाँ, तो ये हमको दे देगा वॉल्यूम। तो हमको ये फॉर्मूला, ये हमारा चेंज हो गया, एम इंटू एच इंटू जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड दिस एम अपॉन वी यानी मास पर यूनिट योर वॉल्यूम, यानी मास डिवाइड बाय योर वॉल्यूम इज डिफाइंड डिफाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड। हाँ तो रो रो आ जाएगा हाँ, रो आ गया। तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द प्रेशर डिफरेंस इज योर नथिंग बट द प्रेशर डिफरेंस एट दिस पॉइंट वन एंड टू इज डिफाइंड बाय पी टू माइनस पी वन, माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच, दिस इज योर प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस जो रो जी एच है, वी कॉल दिस प्रेशर, है ना? अगर एक इसमें एक और पॉइंट है, आगे हम बढ़ते हैं, कि अगर आपका ये जो अपर वाला पॉइंट वन है, ये पॉइंट वन जो है सरफेस पे, ये अगर सरफेस पे आ जाए, ये अगर हम जो ले रहे हैं, ये हमने सरफेस एलिमेंट में, लिया है, फिर ये डाउनवर्ड इतना डायरेक्शन में फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। एग्जैक्टली, तो आपका ये क्या हो जाएगा इन दिस केस, जब आपका ये सरफेस पे आ जाता है, तो इन दिस केस योर, अब पी टू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी टू इज इक्वल टू योर, पी टू इज योर पी वन, सॉरी पी टू इज योर पी कैपिटल पी, एंड पी टू इज योर कैपिटल पी, एंड अगेन योर पी वन इज योर पी ए, दैट्स योर एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो इन दिस केस यू विल गेट, सॉरी पी वन ही, इसको मैं पी लिखता हूँ, तो पी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, ना, और पी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। तो इसको हम बोलते हैं पी ए को एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड दिस रो जी एच इज डिफाइंड एज योर गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। ठीक है, एक किस क्या अच्छा गैज गेज प्रेशर इसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके से वी कैन डिफाइन द प्रेशर डिफरेंस, है ना? और कल हाँ के जो हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम गेज बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे। हाँ गेज प्रेशर पी माइनस
ना पी माइनस पी, हाँ एग्जैक्टली दैट्स रोज, ये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है होना क्या चाहिए आपका प्रेशर डिफरेंस, एक तो आपका अपर सरफेस और लोअर सरफेस इसके बीच में एक एक्स्ट्रा जो रोल प्ले कर रहा है दैट इज रोज ये, वो हाइट की वजह से हो गया है ना, हाइट या डेप्थ बोल रहे हैं उसे है ना, डेप्थ की वजह से दैट एक्स्ट्रा। हाँ तो बस इसमें एक डाउट है कि पी टू ए इज इक्वल टू एम जी प्लस पी वन ए क्यू। अच्छा पी वन ए के, ओके तो मैंने बताया ना इसमें हमने फोर्सेस को बैलेंस किया है, जो आपका अप डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसमें दो फोर्स डाउन लग रहा है, एक तो आपका एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू जो मास है इसका फ्लूड का, इस एलिमेंट के अंदर जो फ्लूड होगा उसका एक मास भी होगा ना, तो उसकी वजह से एक ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और पी टू जो है दैट्स योर जो आपका बॉटम पे है, बॉटम पे आपको पता है प्रेशर आपका हमेशा ये नॉर्मल टू द सर्फेस लगता है क्रॉस, तो वो आपका पी टू है आपका नीचे से लग रहा है, और पी वन है तो अपवर्ड देखें जो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं दैट्स योर एम जी एंड योर पी वन है ना पी वन ए, और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका दैट्स एक्चुअली योर ओनली पी टू पी टू ए, ये आपका अपवर्ड। और तो हमने इन दोनों फोर्सेस को जस्ट बैलेंस किया तो उसके बैलेंस से हमें एक इक्वेशन मिल गई दैट्स पी टू ए इज इक्वल टू एम जी प्लस पी वन ए, ओके ठीक है। तो फिर आज का हम लेक्चर आज यहीं पे रोकते हैं, कल हम बात करेंगे बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में, ओके ओके चलो ओके थैंक यू सर, हाँ सी यू।